मैं गेट अमेरिका का देखा के देखूंगी यार दादी उठ जाओ टूट जाएगी पहले शर्ट नहीं कपड़े नहीं तेरे पे तो देख ले पोछा मारा है हां तो फिर और मैं दारो बैठे रहूं जड्डा का मैं याना ले रही सही कहा भाई यार और दादी भी तेरे ये आपका बच्चों दे रहे हम इधर आओ फटाफट चलते रहो बहुत खुश हो रहा थैंक यू बोल ला देख ले भाई किस नमस्ते जी राम राम गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग दुआ करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम मस्त हैं तो वही आप लोगों को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है कि ऐसा क्या स्पेशल है कि जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम तो ये मेरी दादी की राम 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 जी नमस्ते सपने जी प्रेम प्यार दे छोटे बड़िया ने और भाई मेरी और तभी कैमरामैन की और तभी राम राम रास्ते दादी ने छोटे बच्चे की और तभी सभी को राम राम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देख तो दादी ने चश्मा बदल दिया मैचिंग चुन्नी के साथ मैचिंग कर दिया चश्मा दादी ने बोले नुगा जितनी भी चुन्नी सूट पहनो गारंटी का चश्मा इवन दादी ने बोले है नुगा जितना भी सूट पहनूंगी नहीं सबके साथ मैचिंग वाला चश्मा पहनूंगी वाह क्या बात है सही है कि झूठी है तो भाई आप लोग मैं तो नहीं जा सकती आज लेकिन मेरे पति जरूर जाएंगे आप लोगों को स्पेशल चीज दिखाने तो वही कमेंट करना आप गेस करो भाई क्या होने वाला है ऐसे दिवाली के दिन वही थंबनेल देख लोगे तो आप तो डर ही जाओगे वाओ ये सब तो भाई हमारा बच्चा सोने लग रहा है और मैं भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो ले। हाँ जी बताओ आज है ना दीपावली का दादी ने बोले थे कुछ सामान ले आइए मोमबत्ती वगैरह ले आइए आज छोटी दिवाली है ना सारा को मोमबत्ती दिए वगैरह लगाने हैं लेना पड़ा फिर सामान थोड़ा सा वो तो एक महीने से बोले दादी आपको बोले खेल कितनों नहीं आते वो किसके होते शक्कर के होते दादी चीनी के होते हैं वो भी ले लिया जिसके हाथी होते बने हुए घोड़े से होते हैं और मुरमुरा होता है होते क्यों नहीं है मेरे पापा सब कुछ ले आए वो चीनी के थारे वहां भी थारे उठा के बोला नाम है हमको पता नहीं यार क्या बोलती है चीनी के हैं बने हुए उनमें रंग बिरंगे आते हैं सफाई तो करनी पड़ेगी आपको तो रिया जुकाम पहले ही और के मैं तो हिमाचल गया था वहाँ मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी तो यार बाबू मैं बता नहीं रही थी आपको कि भाई वो ले जाओ स्वेटर ले जाओ जैकेट ले जाओ फिर नहीं नहीं वहाँ पे तो बहुत गर्मी मेरे को तो सर्दी लगती ही नहीं फिर आप ले नहीं अरे ये कम्बल अच्छा नहीं लग रहा है इसको खोल दो मैं शॉल देती हूँ आपको कोई बात नहीं शॉल दे दे तो अपना सफाई कर ले आज कल ना मेहमान भी आया इसका कोई नहीं आपका मेहमान मुमुन मेहमान के सबके अपनी दिवाली है घर में देखिए जाड़े कितने लग रहे हैं कुछ नहीं लग रहे झूठ बोल लो आप दी रुक जा देखा नहीं मैं पोछा मारने लग रही पोछा मारा है दादी के तगार करने गई थी जो पैर दस रहे दादी मैं गगारा छटकाई हूँ दादी के पैर तो इतने सोने यार मैं तो थक ली सच्ची में मैं ऐसे बोल रही हूँ प्यार से बिल दादी दो मिनट बैठ जाओ बार में दो मिनट लगेगा सिर्फ और दादी मेरे ऊपर ही चढ़ रही बिना मतलब की तरह से पोछे हुए भी मैं बैठ रहूंगी यहाँ जाडे में क्यों मेरे गोबर लग रहे हैं गोबर लग रहे दादी मैंने तो कहे नहीं की आपके गोबर लग रहा फिर आपके पैर ठंडे में ठंडी लग जाएगी देख ले दो मिनट मेरे ऊपर ही चढ़ जाता ज्यादा नहीं बोला दादी पानी की बाल्टी वो तो बनाना मेरे ऊपर चौधर ने गणी फालतू मेरे पोचाली दिख दी देखा दादी में गुस्सा क्यों मैं बाहर बैठूंगी चुप हो जाए कोई नहीं मां शांत हो जाए शांत हो जाए मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ मेरे ऊपर भी ना मतलब कि छोरन साडा का मैं ठंड में बैठ रहूंगी लिए के मैं गोबर छड़काई हूँ गारा छड़काई हूँ आराम पोचे तो कहे था दो मिनट रुक जा आपने तो बिना मतलब का पतंगड़ बना दिया यार दादी मेरी चपली देख के सुथरी पड़ी मान भी दो ही जमा हाँ अजीब गला चाट हाँ तो मेरा गणी बड़ी सूर वाली है ना काम मुझसे लागे पड़े सारे लग रहे बुढ़ी दिवाली दिवाली है तो कर ले बात और क्या आलू बनाओ रोटी रोटा आलू बनाओ मकोड़े नहीं ककोड़े मकोड़े खाओगे तुम दिवाली के दिन ककोड़े
ये पकोड़े की ककोड़े के हो आई हूं देख ले मां इना तो ककोड़े को नहीं मेरा के हो आज लिया के दिखावांगे थी आज ले आइए तुम मेरा कैसे हुआ आज करांगे जैसे कटल नहीं हुआ कटल जैसा हुआ मतलब वो छोटा हुआ है जैसे आलू का साइज हुआ है अच्छा कटल मैंने बड़ा हुआ है मतलब सेम चीज ही हुआ है वैसे खाने में तो आज वो बनाइए ठीक है भाई कमेंट करके आप लोग भी बताना किसने ये पकोड़े मकोड़े खा रखे हैं ककोड़े ककोड़े सच्ची और 20 खाई है 20 गंदे पानी में होगा डंडी सी होगा हां वो भी ले आइए जानी एक दिन वो बना लियो एक दिन वो बना लियो और देख ले खानो पीनो खाते चल ठीक है मैं जाऊं बाबू हैं सर और मैं लेट आऊंगा और मेरे खातिर सब्जी बनाएगा दर्जी ठीक है जल्दी आना बस लेट नहीं आना ठीक है ला भाई मैं जाता हूं और कुछ आपको स्पेशल दिखावेंगे स्पेशल दिखाएंगे 22 तारीख आने वाली है क्यों? मेरा भी स्पेशल ध्यान रखना देख ले मां नहीं सुनता मैं नहीं भरदा इसका नहीं फिर उनका 22 पेमेंट आने वाली है पेमेंट शादी की सालगिरह दूसरी अपनी सोतन मांगेगी मांग लूंगी लिया फिर काम तो करवाओगी ला भाई आप कंबल और खाने पीने का सामान लेकर आ गए बच्चे खातर और बच्चे देखिए कितनी मेहनत कर रहे भाई देखिए छोटे छोटे बच्चे इन्हें भाई कंबल बांटा गया था और खाने पीने का सामान ले रखे अपने टम्पू में आपने देख लिया हो गया और मेहनत देखो भाई कितनी कर रहे देखिए ये लोग आ जाएगा शर्ट नहीं दर पाए अरे भाई शर्ट नहीं कपड़े नहीं दर पाए देख ले क्यों नहीं पहनते फिर कपड़े ठंड नहीं लगती लो बेटा लो भाई देख ले छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं यार ये देख बेचारा चप्पल भी कौन इस पर सारे खातर सामान लिया रखे माने टम्पू में कंबल लिया रखे खाने के लिए ब्रेड लिया रखे जलेबी लिया रखी ये आपका बच्चों दे रहे हैं इधर आओ बड़ा बड़ा चलते रहो ले बेटे आजा चलते रहो एक एक जलेबी पैकेट अंदर धरो जलेबी कर दो उसमें अंदर है उसमें जलेबी के बड़े ले लिया ले भाई ये फूल हां ये फूल इसमें डाल लो जी तो ला भाई गोलू रोने लग गया था रास्ते में कि बोल दिया भाई बाइक चाहिए पापा मेरे को बाइक चाहिए तो भाई गोलू के लिए बाइक ले ली है और भाई गोलू बड़ा खुश हो रहा बैटरी वाली बाइक भाई गोलू खातर मोटरसाइकिल ले लिया भाई बहुत खुश हो रहा थैंक यू बोल ला देख ला भाई किसी भी कराने वापस थैंक यू पापा ने मोटरसाइकिल दो आते ना और पीछे मजे ले रहा भाई जमा चला चला के खुश हो रहे देख ले बंद कर दो बेटा कर चलाइए क्या कर रहे हो आप यार मैं तो कपड़े धो रही हूं आपको बोला था समोसा लाना मेरा समोसा ही हो रहा मुंह का जैसा भाई हमने ब्रेड बांट दिए हैं तो वो फोन कर देती कम से कम ब्रेड ले आता पर ना वो सुबह के बनाए हुए थे ठंडे हो गए थे फिर क्या मैं खा नहीं सकती मेरे पास नहीं थे जलेबी नहीं मैं खाती ना भाई सॉरी बाबू कोई बात नहीं आता ले आ दूं हर बार आता ना भाई मां थोड़ा नाराज हो कोई बात नहीं बाबू दिवाली नहीं आता ले आ दूं मैं दिवाली के दिन बाबू दिवाली सजावट नहीं करनी करनी है क्या करनी है कुछ लाया डेकोरेशन का सामान जितना मैंने किया था बस सिर्फ मोमबत्ती ले आ रखी है यहां से भाई बाइक करीबन बहन दे बाइक करीबन बहन दे के कौन से बाइक है और दिवाली आई है गोलू की ओए राम देखी नहीं तने मैंने कहां देखी है कौन सी बाइक ले दिखाऊंगा तने एक मिनट पैसे कमाने का ज्यादा शौक चढ़ा पड़ा अरे दादी का तो बुला बुला लू कुछ दादी दादी हां आज दिवाली के दिन मोटरसाइकिल ले आए नहीं अच्छा लिया भी रिबन बांधा गए एक और या घर खड़िया नहीं छोड़ लिया या नवा रिबन या लाल बांधा गए इतना चाह था कि पोते ने ले आई दी देख लिया आपने कि नहीं देखनी तो होगी देखेंगे क्या अंतर नहीं पूरी मां 80000 की आई 80 की हां कोई बात नहीं घर अच्छा चीज आएगी ले आ रही ये 80000 की बाइक नहीं आया मेरी माँ एक गेड़ा तो मैर ले करिए ठीक है उसमें तो तेरा वहाँ तो नहीं है दादी बड़ी मोटरसाइकिल दादी पे उठे होनी थी इसका तो तीन पहिए हैं दादी दोनों का नहीं पैर कर कचला ले करेगी या ठीक है फिर तभी तो बैठेगी दादा आठ लाड़ देगा पर इन्हें तो गोलू ने कब्जा कर लिया कोई बात नहीं पेट्रोल वाली डीजल वाली
बैटरी आ रही है यार बैटरी यार चार्ज ला दे करांगा दिन में चला ले करांगे खुश हो गई तो घर में नया साधन आ गया दो आया दिन घर आने चीज आएगी और के रीवन तो बंद है बंदा के लिया हूं मंगाऊं हूं इबरी तना क्या तो कोस लिया तो मैं केड़ा मार के देखा के देखो नहीं यार दादी उठ जाओ टूट जाएगी पहले यार रोन लग रहा दादी ना पीसे दे थे पीसे दिए थे भी इतने कितने महंगी लिया दी जरूरी है थोड़े ही यहां इधर देखो ये मोटरसाइकिल खड़ी है नहीं गिराए पर एक से एक लिया दिए यहां खिलौने खिलौने पर दिए कोई नहीं खेलेगा मेरे बेटा यार इबरा बन तो बहन जो और इसका ओ भाई मैं तो नाराज हूं तो भाई की क्या बात है भाई नाराज नहीं हुआ घर में भाई दिवाली का सामान लिया दिया खील लिया दिया खील भी दिखा दिया और भाई मैं कह कहूं था मैं खील खिलौने सब खिलौने तक लिया दिया खिलौने दिखा दिया किस तरह का हुआ आरा नहीं भाई कम्बल बैठे आए जलेबी बैठे आए जरूरी था भाई हमने अपनी जो दिवाली है वो बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर ली है आप लोग भी जरूर करें अपने परिवार के साथ और शाम को हम पटाखे जलाएंगे बहुत ज्यादा पटाखे को नहीं बाबू पटाखे नहीं लगाना चाहिए इस तरह जोड़ से पटाखे हमने खराब करने देने नहीं वो बच्चों में देने चाहिए उम्मीद करते है आज का ब्लॉग आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बच्चों के लिए जरूर करना और शेयर करना हमारे लिए कमेंट करना मेरी प्यारी दादी के लिए और सब्सक्राइब करना मेरे पति के लिए जिन्होंने आज इतना बड़ा काम किया और लोगों की हेल्प करी छोटा मोटा खाने का सामान और कुछ उठने का और यह मेरी दादी माँ बहुत खुश है आज शेयर करियो कमेंट करियो शेयर करियो कमेंट करियो लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो और मिलते हैं 10:30 बजे सुबह सुबह बाय गाइज राम।